हे फूडीज, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन फ्राइड राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इधर एक कढ़ाई ली है और इसमें 3 चम्मच तेल डाल दिया है और 1 चम्मच सूप डाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े 3 कटे हुए प्याज। प्याज डाल के आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं गार्लिक क्लोव्स 4 से 5 और 2 हरी मिर्च। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स्ड वेजिटेबल्स चॉप किए हुए। आप जो कोई भी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। आप अच्छे से मिक्स कर लें इसे। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैंने इधर कैप्सिकम और कैरेट लिए थे। अभी हम लोग इसमें 3 एग डालेंगे। सो गाइज, आप एग डालना जरूर, क्योंकि उसमें एक और अच्छा सा स्वाद आता है। तो अच्छे से आप अभी तो अभी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट मैंने और जीरा पाउडर और ग्रेटेड जिंजर। मैंने सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अभी आप अच्छे से मिक्स कर लें इसे। अभी मैं इसमें जो हमारा लाल मिर्च पाउडर है वो डाल रही हूँ, वो है 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। और अभी आप अच्छे से लाल मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर लें। तो गाइस, मैंने इधर जो चिकन लिया है वो मैं 300 ग्राम चिकन लिया है, वो मैंने कुक कर लिया है। आप कुकर में भी कुक कर सकते हैं और उसे डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। और 3 कप कुक राइस डाल रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कर लें। सो गाइस, आप देख रहे कितना अच्छा दिख रहा है हमारा, कलर वगैरह वगैरह बहुत ही अच्छा आ गया है हमारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।